आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसों के नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पूछा गया कि वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसों के नाम लिखिए। तो यदि वायु की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वायु क्या है? वायु मानव जीवन के लिए सबसे अधिक जरूरी है। दिन भर में लगभग एक मानव 80% वायु अपने अंदर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे वायु जो होता है वह नाइट्रोजन अर्थात ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अर्थात अन्य गैस, हीलियम, नियोन का मिश्रण होता है एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, आदि का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, वायु में विभिन्न प्रकार के गैस उपस्थित होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और अन्य सभी गैसें 0.97% में होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वायु में विभिन्न प्रकार के गैस उपस्थित होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये जो विभिन्न गैस है, वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा उसे संतुलित बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है, तो दोस्तों वायु में हमने देखा कि विभिन्न गैस उपस्थित हैं, अर्थात ये विभिन्न गैस की मात्रा उसे संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसे संतुलित बनाए रखती है। लेकिन जब वायु में नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे वायु को प्रदूषित वायु कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे वायु प्रदूषित वायु कहलाते हैं, यानी कि पर्यावरण में मानवीय कारणों से असंतुलित बिगड़ना, उनका संतुलन का बिगड़ना या प्रकृति कारणों से संतुलन बिगड़ना, उसे हम वायु प्रदूषण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वायु क्या है? अति आवश्यक है। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, प्रकृतिक और मानवीय। ठीक, पूछा गया है प्रश्न में वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसों के नाम लिखिए। दोस्तों मैं यहाँ पे वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस के बारे में बताना है। ठीक है, तो उत्तरदायी मुख्य गैस कौन कौन से हो जाएंगे वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस जो कि वायु के संतुलन को बिगाड़ते हैं। ठीक है, वायु का संतुलन जिससे कि बिगड़ता है, पहला होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा या फिर वाहनों द्वारा उत्सर्जित होने वाला गैस है। ठीक है, जो कि फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे वायु प्रदूषण के लिए हमने देखा उत्तरदायी गैस नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, पांचवा गैस है क्लोरीन जो कि बहुत ही विषैला गैस होता है दोस्तों, और फिर सीसा, और भी जैसे कैडमियम, बेजी पाइप्स, धूल कण, ये सब क्या है हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जो होता है वाहनों द्वारा उत्सर्जित ज्वालामुखी के फटने से, ये सब गैस जो कि वायु में घुल जाते हैं और जीवधारियों को हानि पहुंचाते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के लिए कारण है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।